नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस कैपिटल। और आपने देखा रहेगा लगभग 5 दिन से इसमें अपर सर्किट लगता ही जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो भी न्यूज़ है आपको पता रहेगा, अगर न्यूज़ आगे जाके सच हो जाती है तो लगभग स्टॉक है अभी 15 रुपये के पास आसपास ट्रेड करें तो लगभग 1500 रुपये के आसपास भी जा सकता है। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर जा सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देख के नहीं चलता, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोनों रिस्क और रिवार्ड के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक कोई लेते हैं तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जिसके जो आज के दिन में लगभग बायर बढ़ते ही जा रहे, यहां पे सभी के सभी बायर दिख रहे हैं। आज के दिन में कोई भी यहाँ पे सेलर नहीं, मतलब कोई भी स्टॉक बेचने के लिए तैयार नहीं है, सब सेल करने के सॉरी बाय करने के लिए यहाँ पे बैठे। तो देख सकते हैं इसके वजह से आज के दिन में बहुत ही स्ट्रांग अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पे पूरे डिटेल में देखते हैं कौन सा न्यूज़ है, क्या हो सकता है आगे जाके। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, जो ADAG ग्रुप है अनिल अंबानी का, जो लगभग कर्जे में डूबा हुआ ग्रुप है, लगभग सभी कंपनियां अभी NCLT में चली गई। तो आपको पता रहेगा जो रिलायंस कैपिटल है बहुत ही बड़ी कंपनी थी एक ज़माने में। तो यहां पे जो NCLT में जाने के बाद अभी जो बाकी जो बड़े मार्केट में कंपनियाँ इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है, तो उसी के ऊपर जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ का असर है बहुत ही बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक लगभग 1500 रुपये के आसपास जा सकता है। ऐसा इससे पहले भी हुआ है, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कौन से स्टॉक में हुआ है, जो 3 रुपये से स्टॉक लगभग 1500 रुपये तक चला गया था। देखिए यहाँ पे न्यूज़ को देख सकते हैं, जैसे कि जो है लगभग 50 ऐसे बड़े मार्केट में कंपनी इन्होंने रिलायंस कैपिटल के ऊपर बिड लगाए। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे इनको बिड लगा के क्या मिलेगा। देखिए, कंपनी का जो पूरा रेडीमेड सेटअप मिलता है, एम्प्लॉय ऑलरेडी सेटअप जो काम कर रहे वो मिल जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट तैयार रहते हैं। तो ऐसा पूरा सेटअप तैयार होने के कारण जो बड़ी कंपनी रहती है ऐसी छोटी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करते और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते। तो जो भी ज़्यादा बीड लगा के उस कंपनी ये दी जाती है। तो यहाँ पर आके देख सकते कौन कौन है, नाम देख सकते, लगभग यहाँ पर 50 बड़े प्लेयर है, तो उनके नाम भी दिए गए। आगे यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि ICICI लंबार्ड है, टाटा का जो AIG है वो भी यहाँ पे रेस में है, HDFC अर्गो है, या फिर अदानी का एक ग्रुप है वो भी यहाँ पे बिड लगाने तैयार है। ये बड़े प्लेयर के अलावा लगभग यहाँ पे नीचे दे सकते हैं। इसके अलावा यस बैंक है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स है, यहाँ पे पिरामिड ग्रुप है, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको खरीदने के लिए तैयार है। जैसे कि आगे जाके देखना पड़ेगा कौन इस पर ज़्यादा बिड लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी जो आखिरी तारीख थी 25 मार्च तक यहाँ पे बिडिंग था, तो यहाँ पे जो तारीख खत्म हो चुकी है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कौन यहाँ पे इसको रेस को जीतता है। ये तो था एग्जैक्टली कल का न्यूज़ या फिर परसों का न्यूज़ आया था। तो ऐसा कौन सा कंपनी था जो 3 रुपये से 1500 रुपये तक चला गया था, और उसके पीछे रिस्क भी रहते, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा जो रुचि सोया कंपनी है वो भी कंपनी NCLT में चली गई थी, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा था। तो कर्जा होने के कारण जो लेंडर्स है अभी बैंक ने इनको NCLT में खींचा था। तो NCLT में जाने के बाद जो पतंजलि है, इन्होंने इस रुचि सोया को बहुत ही सस्ते प्राइस पे खरीदा था, लगभग 4000 करोड़ पे खरीदा था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं लगभग जो स्टॉक का प्राइस 3 रुपये था, तो लगभग 6 महीने में स्टॉक का प्राइस 1500 रुपये के आसपास चला गया था। लगभग 6 महीने तक अपर सर्किट लगा था। कोई भी कंपनी अगर NCLT में कोई बड़ा प्लेयर खरीदता है तो ऐसी संभावना रहती है कि स्टॉक लगातार रॉकेट बनता है और 2-3 रुपये का स्टॉक लगभग 1000 रुपये के ऊपर जा सकता है। देखिए रिस्क भी है, मैं आगे जाके बताऊँगा क्या रिस्क है। दूसरा स्टॉक भी देखते कौन सा दूसरा स्टॉक था। जो दूसरा स्टॉक है जैसे कि आलोक इंडस्ट्री है, ये भी कंपनी NCLT में चले जाने के बाद, जो रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की, तो उन्होंने इनको भी बहुत सस्ते प्राइस पे खरीदा था। जो लगभग 3 रुपये का स्टॉक आपको पता रहेगा 70-80 रुपये तक चला गया था सिर्फ 3-4 महीने में। मतलब सोच सकते कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया था। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट्स। निगेटिव पॉइंट्स में बता दो क्या हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो निगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल हम कंसिडर करते कि अदानी ने रिलायंस कैपिटल को खरीद लिया बहुत ही सस्ते प्राइस पे, तो वहाँ पे आगे जाके एक प्रोग्राम रहता है कॉर्पोरेट एक्शन करके रहता है कंपनी को, अगर NCLT से बाहर आती है तो वहाँ पे पुराने शेयर होल्डर के बारे में सोचा जाता है, पुराने शेयर होल्डर का क्या करना है। तो वहाँ पे एक स्वैप रेशियो निकाला जाता है, जैसे कि पुराने शेयर होल्डर के पास फॉर द एग्जाम्पल 1 शेयर है, तो उनके 1 के बदले 1 दिया जाएगा। अगर 100 रहेंगे तो 100 के बदले 100 दिया जाएगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स रहता है, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में होता तो पुराने शेयर को वहाँ पे लॉटरी लग गई थी, बहुत सारे उनका मल्टीबैगर रिटर्न बने थे। जो दूसरा कंडीशन जो रुचि सोया में होता, जो पुराने शेयर उनको 10 के बदले सिर्फ 1 ही शेयर दिया जाएगा। मतलब फॉर द एग्जाम्पल किसी के पास 100 शेयर है तो उनको सिर्फ 10 शेयर्स मिलेंगे कॉर्पोरेशन के बाद, मतलब वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ था पुराने शेयर का। जो तीसरा कंडीशन है बहुत ही डेंजरस रहता है शेयर के लिए,
फॉर द एग्जाम्पल किसी के पास 1 शेयर है तो उनको बिल्कुल जीरो किया जाएगा, किसी के पास 1000 शेयर्स रहेंगे तो उनको बिल्कुल जीरो किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कॉर्पोरेशन के बाद। जैसे कि DHFL में हुआ था या फिर सिंटेक्स इंडस्ट्री में पिछले हफ्ते हुआ था, जो पुराने शेयर होल्डर उनका कैपिटल बिल्कुल जीरो होता, वहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता। तो ऐसे आगे जाके हो सकता है, देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा, ऐसे हो चुका है। यहाँ पर विन विन सिचुएशन रहेगी, अगर आपको यहाँ पर पहला कंडीशन अप्रूव होता है, एक के बदले एक मिलते हैं तो आपकी लॉटरी लग सकती है, आपने बहुत सस्ते प्राइस पे शेयर्स लिया रहेगा। तो अगर यहाँ पे दूसरा और तीसरा कंडीशन होता है तो आपको नुकसान बहुत सारा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन खुद का स्टडी इसमें ज़रूर करके बाय और सेल का डिसीजन लीजिए। डायरेक्ट मेरे वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो ये तो था आज का एक एजुकेशनल वीडियो, और हमने लेटेस्ट न्यूज़ जो था वो भी कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।